वही फोकस कर लीजिए ठीक है, इसको आप सेल कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 किया ठीक है, ओके इस की से हम स्लोली डाउनवर्ड और ये अपवर्ड करेंगे एयर रिमूव करने के लिए ठीक है, ओके इससे थोड़ी फास्ट ये बटन है ना, इसका भी आप डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ओके और ये एक्सीलेटर है मतलब इस बटन को प्रेस करके हम ये दोनों को दबाएंगे ना हाँ जी तो ज्यादा हाँ स्पीड में अपवर्ड डाउनवर्ड होने के स्टैंड ठीक है, ओके हाँ टेप दे देना। ये बटन जो है ना इसको हम अगर 1-2 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा, ओके और आपको या तो पूरा फिल करना है तो पूरा फिल करना है, अगर जहां तक रोकना है ना मान लीजिए 50 ml फिल करके हमें रोकना है तो हम इस बटन पे सेम बटन पे क्लिक करेंगे, इस कारण जी मैं रोक लूंगा इसको, तो इसको दो बार प्रेस करने के नहीं 1-2 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल, 2 सेकंड तक प्रेस करने के, लेकिन इसका यूज अगर आप कर सकते हो कीजिए नहीं तो नॉर्मली आप फिल कर मैनुअली हो सकता है। और देखिए ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, हाँ जी जब हमें इंजेक्शन के बीच में कोई दिक्कत हो जाती है पेशेंट के साथ तब इसको दबाएंगे इंजेक्शन रुक जाएगी बिल्कुल, और अगर आप इस बटन का यूज अगर यहां से इंजेक्ट करना चाहते हैं तब करना है, और सिरिंज लगाना कैसे है बताता हूँ, ये निकाला इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ओके अच्छा सिरिंज निकलेगा ठीक है, ठीक है इसमें ये टैग है ऐसी टैग है ये हमेशा जो है ना बैक साइड होना चाहिए मतलब इस तरह से, और इसको खोलना कैसे है थोड़ा सा इसको प्रेस करना है इधर से बाहर ले ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक हीटर है थोड़ा थोड़ा हीट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है, और इसको लगाने के लिए इस जो प्लास्टिक वाला है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसकी वो कैप चेंज करनी होगी, ये चेंज करना है तो एग्जैक्टली सेम 200 ml वाली है अपने पास है, हाँ जी आप यहीं पे फोकस कीजिए, ये देखिए 200 ml वाली है तो उसको भी हम इसी तरीके से इस ये जो होल दिख रहा है इसको बाहर की तरफ रखेंगे ठीक है, हमारे पास 200 ml वाली सीरिंज नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा इसके साथ में ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ 100 ml के लिए, ये 100 ml के लिए केवल, ठीक है तो क्योंकि मैंने एक ही सीरिंज निकाला ना दूसरा बर्बाद हो जाएगा, हाँ जी ठीक है ठीक है, अब इस सीरिंज को देखते हैं, हम कोई भी सीरिंज निकालेंगे ना तो ऐसी पोजीशन में पैक रहता है, तो यहाँ पे देखिए कट बना हुआ है, कट है हाँ जी, इस कट से इसमें इसको हम स्लाइड करेंगे, इस कट से इसको स्लाइड करने के बाद एक ब्लू वाली जो है ना ऐसी जाएगी, इसको हम पीछे करेंगे एक ना क्रैक की आवाज आएगी, ये सामने से हम रीडिंग देख सकते हैं कि कितना फील हुआ है ठीक है, इसके बाद पिस्टन को हम अपवर्ड करेंगे ना ये इसको इंगेज कर लेगा ठीक है, फिर हम इसके यहाँ से ये इसके रखा है ताकि इसमें कंट्रास्ट अंदर में, वैसे भी हमारी जो सर्किट है ना इसके अंदर है कंट्रास्ट लीक भी होगा ना तो देखिए ये होल है ना पीछे इससे बाहर आ जाएगा हमारी मशीन के अंदर नहीं जाएगी तो खराब वड़ा होने की दिक्कत, अगर कंट्रास्ट इसके अंदर गिरता है तो एक्चुअली इसमें हम इसको ठीक है, ओके इससे ज्यादा नहीं मिल कीजिए क्योंकि अगर स्टेट करेंगे ना तो लीक होके अंदर जाएगा, तो हम फिल कर लेते हैं, आपको जितना फिल करना है उतना ही जरूरी फिल करना, हाँ जी जितनी भी जरूरत उतना फिल कीजिए, ओके थोड़ा ज्यादा फिल कीजिएगा क्योंकि 2 ml जो है ना एयर रिमूव करते वक्त निकल जाएगी,
इसके बाद आप उसको स्ट्रेट करेंगे। हमारे पास जो ये वाले पोर्शन जो होते हैं ना, हम इंगेज करेंगे ओके। और हम थोड़ा एयर रिमूव करते हैं। एयर रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस बटन का यूज कीजिए। ठीक है, एयर रिमूव हो चुका है। और जब हम पेशेंट को लगाने होते हैं तो आप इसको ऐसे बैंड कीजिए। हाँ जी, ठीक है। और ये रेडी वाले बटन को दबा देंगे। हमें इस तरह यहाँ का जो भी प्रोसीजर है फिनिश हो चुका है, रेडी हो चुका है। अगर हम यहाँ से चेक करना चाहेंगे ना इस बटन को देखिए, तो यहाँ से इंगेज, देखिए इंजेक्ट हो रही ना, यहाँ से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये इमरजेंसी स्टॉप है, इसको दबाएंगे तो रुक भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपके यहाँ सारे फंक्शन पता चल गए, सारे बटन के फंक्शन। हाँ जी, ठीक है। अब हम पीछे चल के डिस्प्ले पे देखते हैं, यहाँ से आप उसको रेडी कर लेते हैं। ओके, इधर नीचे देखते हैं, ये हमारी पावर केबल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये स्विच है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जनरली आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लीजिए, उसको स्विच करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले का है, डिस्प्ले देखिए ये पावर बटन है, इसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसको हम बंद करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो ऑन हो जाएंगे। ये हमारी रिमोट है, इस बटन को दबाने से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इस बटन को दबाने से इमरजेंसी स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएगा सिरिंज के स्टेटस, सिरिंज जो कब एक्सपायर होंगे, सिरिंज इंस्टॉल करना है, है ना। जब सब कुछ ठीक होगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो आपको सिरिंज बदलना होगा, क्योंकि सिरिंज हो सकता है बहुत बार यूज कर लिया आपने। तो देखिए ये है फ्लो रेट की बॉक्स है, चेक बॉक्स, ये वॉल्यूम की। आप इस बॉक्स पे क्लिक करके मैक्सिमम 10 ml/s हम दे सकते हैं। तो आपको जो चाहिए 5 to 5, 5.5 to 5.5, 2.5 to 2.5, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसमें हमारे पास 81 ml है, और ये 100 ml की सिरिंज है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जितना चाहिए 25 25, हाँ 50 50, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये PSI लिमिट है कि आप ही करेंगे, डिसाइड करेंगे, किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम PSI सेट करते हैं। हमारी इंजेक्शन इस PSI से ज्यादा होने पर रुक जाएगी और हमारे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे क्लिक करके आप इसको 250 पे लिमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप 300 रखिए, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। और ये फेज वन हो गया, ये फेज टू है। फेज वन में क्या होता है कि सिंगल पैरामीटर फ्लो होगा इस फ्लोरियर से इतनी वॉल्यूम। फेज टू में क्या होगा कि दो पैरामीटर फ्लो होता है, यहाँ जो भी फ्लोरेट है उस फ्लोरेट से इतनी वॉल्यूम फ्लो हो जाएगी। और ये सेकेंड का डिले है, 5 सेकेंड 2 सेकेंड रुक जाएगी इंजेक्शन। फिर ये इस फ्लोरेट से जो भी आप डालेंगे फिल करेंगे ये फ्लो हो जाएगी। ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 94 हो रहा है, लेकिन हमारे पास 81 ml ही कंट्रास्ट है, इसको हम थोड़ा कम करेंगे, 30 कर लेंगे। ठीक है, तो ये है ड्यूअल फेज। और मल्टी फेज में सिमिलर है, जैसे दो फेज था इसमें हम मल्टी फेज बना सकते हैं, 5 फेज था। अलग अलग फ्लो रेट होगा, रुकेगा। अगर यहाँ पर आप नहीं रोकना चाहते, कोई डिले देना चाहते तो 0 डाल दीजिए। अगर डिलीट करना है इसको तो ये लाइन भी डिलीट होगा। मान लीजिए आपको 4 फेज का बनाना है तो नीचे वाले में 0 फिल कर, 3 फेज का बनाना है तो इसमें 0 डाल दीजिए, ऑटोमेटिक लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इतना ही पैरामीटर फ्लो होगा। फिर वेरिएबल फ्लो रेट है, ठीक है। वेरिएबल फ्लो रेट जो है ना, जैसे कि किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है या कोई ऐसा इश्यू है पेशेंट के साथ जिसकी वेन बहुत पतली हो गई है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको कितना फ्लो रेट देना है। आपको दे, आप चाह रहे हैं कि इसको 5 ml दे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कितना देना है। तो आप एक मिनिमम रेंज जैसे 2 रेंज डिसाइड करेंगे और एक मैक्सिमम 6 डिसाइड करेंगे। और वॉल्यूम मान लीजिए कि 60 है, जब ये चलेगी ना तो मशीन जो है ना स्लोली स्लोली फ्लो रेट इंक्रीज होगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि ये वेन जो है इससे ज्यादा फ्लो रेट जो है ना टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो फिक्स हो जाएगा। तो
इस दोनों के बीच में कहीं भी एक वॉल्यूम पर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो हमारी मशीन जो है ना ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि कितना फ्लोरेट वो पेशेंट जो है ना टॉलरेट कर पाएगा, ये वो चलता है। और देखिए हम जैसे कि आप कोई बहुत सारे केस में अलग अलग पैरामीटर हम क्या करते हैं पेशेंट को देते हैं जिसको हम सेव करके रखेंगे। अगर आप ये बार बार यूज कर रहे हैं तो बार बार फिल करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि इसको हम सेव कर लेते हैं। क्लिक करेंगे इस पे, नाम हम सेव करेंगे इसकी हेड के लिए दिए हैं, ठीक है सेव हो गया। इस पे हम हाइप कर देते हैं, इसको हम दूसरे नंबर पे नेक के लिए बना देते हैं, तो नेक के लिए बन जाएगा एग्जिस्ट। यहाँ पे हम 4.5 कर देते हैं बेली के लिए, एब्डोमेन के लिए बना देते हैं इस पे जो है सो सेव करते हैं अपर एब्डोमेन के लिए। अब आपको कोई चीज रिकॉल करना है इस पर क्लिक करेंगे, हेड वाला चाहिए यहाँ पे करेंगे रिकॉल हो जाएगा। आप इस बटन को दबाएंगे, अभी प्रिपेयरिंग दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे वो जो ब्लिंक कर रहा है ना ग्रीन बटन वहां से हमको रेडी करके आना है, ठीक है। इस पे देखिए प्रिपेयरिंग दिखाना है, यहाँ पे रेडी दिखाएगा आपको स्टैंड बन दिखाएगा। स्टैंड पे दिखा रहे हैं ना, अब हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रेशर ग्राफ दिखा रहे हैं, ठीक है फिर हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ से। ये डन हो चुका है ना, अपने आप पीछे आ जाएगी है ना। इसके बाद क्या करते हैं, जो मैंने अभी जितने भी केस किए हैं उनका हिस्ट्री देखना है, ये देखिए आरएस है ना, इस बटन पे जाएंगे तो आपको सारे हिस्ट्री दिखाएंगे। इस पे क्लिक करते हैं आपको हिस्ट्री दिखाएगा, ये दूसरे का हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री का तीसरे का हिस्ट्री देखना है, ऐसा हिस्ट्री आप देख सकते हैं लगभग कितने फ्लोर रोड से मैंने दिया है। हाँ पीछे का हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे कि कल का देखना मतलब लास्ट 20 हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कुछ पेशेंट को आपको अचानक देखना पड़ जाए कि कितना कंट्रास्ट किया था क्या फ्लोरेट था, तो आप ये हिस्ट्री देख सकते हैं इस पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, कभी कभी ये टच नहीं वर्क करता है सही से, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसे भी जा सकते हैं मोड का है ना। तो इसमें इतना ही, और ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, और चलिए एक बार इस ड्यूल फेज को इंजेक्ट कर लेते हैं। ड्यूअल फेज में क्या करते हैं, फ्लोरेट हमारे पास 300 रिमेनिंग, 15 करके हम देखते हैं, 5 सेकंड का वेट होता है क्या होता है वो चेक करते हैं, ठीक है। इसको भी हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा वहां से रेडी करके आते हैं, पंद्रह गई ना एक डिले है, 5 सेकंड वेट करेगी फिर दूसरे स्टार्ट होगा। ड्यूअल फेज की हमारी कंप्लीट हो रही है, क्या लाए थे ऑटोमेटिक बैक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अगर बैक करना है तो यहाँ, और ये टाइम कंटिन्यू चलता रहता है, इसको आपको जीरो करना है तो खुद रखेंगे जीरो सेट हो जाएगा। ए वाले हिस्ट्री को देखना है कैसी हमारी इंजेक्शन गई है, यहाँ से आप इस ग्राफ को दोबारा देख सकते हैं आप। अब हमारे पास वॉल्यूम जीरो बच गया है, इंजेक्शन कुछ रहा नहीं, तब नेक्स्ट इंजेक्शन फिर हम देख सकते हैं।